स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज आपकी नरेशन की जो है वो 10वीं क्लास है। तो यहाँ पर जो नरेशन है, हमने आपको बेसिक लेवल से बताया था, एक दो क्लास और होगी बस ख़त्म हो जाएगा सारा नरेशन आपका। उसके बाद आपको लगभग हम 50 एग्जाम्पल या कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेके आएंगे जिससे आपको लगभग पूरा नरेशन एक बार में हम रिवाइज करा देंगे। उसमें सारे हर तरीके के कॉन्सेप्ट, सभी प्रकार के रूल्स सभी होंगे जो आपको इंटरमीडिएट से लेकर के लगभग SSC वगैरह में जितने भी एग्जाम होते हैं, वो बैंक वगैरह, वो सारे में काम देंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमने बेसिक लेवल्स इसलिए पढ़ाए क्योंकि हमारे और भी जो अदर स्टूडेंट्स हैं, वो जिनको अभी इंटर वगैरह पास किया है, इसका रिजल्ट आने वाला है, उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने इसको बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर आपको आगे इम्प्रूव कर देंगे लेवल और एडवांस में भी पहुँच जाएंगे। इसके अलावा नरेशन का जितना भी रूल्स होता है, जो कंसेप्ट होता है बताने का, वो सब यही है। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो चैनल है, इसमें से धीरे धीरे आपको एयरफोर्स वगैरह, नेवी वगैरह, इन सबकी क्लासें मिलेंगी और संडे को ST वगैरह भी मिलेगा आपको। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होकर इसको शेयर कर दीजिए। आप कमेंट जरूर किया करिए, चाहे जिसकी क्लास आए, चाहे जो स्टूडेंट हो, चाहे जहाँ का स्टूडेंट हो, जो भी पढ़ रहा है, वो कमेंट जरूर करे और ये बताए कि हम यहाँ से हैं, यहाँ से हैं, और यहाँ से हमें ये प्रॉब्लम है, ये आपका कैसा। तो इससे हम लोगों को पढ़ाने का ना मोटिवेशन मिलता है और ये लगता है कि हमारा जो पढ़ाया हुआ है आपको समझ में आ रहा है और लग रहा है बहुत अच्छा हम पढ़ा रहे हैं। और भी अच्छी हम कोशिश करेंगे, जितने भी लोग इसमें लगे हुए हैं सब लोग और भी अच्छा पढ़ाएंगे। तो हम ये आपसे चाहते हैं कि हमारा जो चैनल, उसको शेयर करिए और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए इसको और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है ना कि सभी के वीडियो में हमारे खासकर जरूर करिए उसमें कमेंट। ये मत सोचिए कि हमको खराब लगेगा या कुछ भी होगा, आप कमेंट करिए तो हम देखेंगे तो हमारी मिस्टेक्स क्या हैं, तो हम और आगे इम्प्रूव करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम और अच्छा करेंगे और अच्छा पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप पहले इसको याद रखिए कि आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, उसको सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे ना, उतना मतलब आपको भी फायदा होगा और हम लोगों को भी उससे थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो नहीं, जिसके पास कोई इस समय लॉकडाउन की वजह से जो नहीं पढ़ पा रहा है, वो सभी लोग इसको पढ़ेंगे और उन्हें कुछ तो फ़ायदा मिलेगा हमारे पढ़ाने से, हम लोग जो कर रहे हैं उसकी वजह से। तो इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें ये पता चले कि कोई हम लोगों की क्या मिस्टेक है, क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसको और अधिक से अधिक इंप्रूव करें। ठीक है, तो बस इतना ही बताना है। इसके अलावा आपकी आज जो क्लास नंबर है नरेशन की, वो 10 है। क्लास नंबर आपकी नरेशन की जो है वो 10 है। और आज आप जो, हम उस दिन आपको पढ़ा रहे थे इंपरेटिव सेंटेंस, उस दिन आपका जो क्लास हुई थी वो इंपरेटिव सेंटेंस था। उसमें हमने दो रूल्स आपको बताए थे, एक बताया था इंपरेटिव सेंटेंस का सिंपल वाला रूल जो जनरल बन जाता है, जिसमें से रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है आपकी सेड, उसको अब ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, प्रेड या आस्क्ड इसमें चेंज कर देते हैं। इसके अलावा हमने सेकेंड रूल बताया था इंपरेटिव सेंटेंस का, जो निगेटिव वाला पार्ट होता है, जो निगेटिव पार्ट होता है उसमें यह बताया गया था आपको कि वो निगेटिव पार्ट डू नॉट लगाने से बनता है और उसमें से एक साथ डू नॉट लगा होता है और दूसरा और कुछ नहीं लगा होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका कोई निगेटिव होता है तो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे डू यू नॉट गो टू स्कूल, ये निगेटिव और इंटरोगेटिव होता, यू डू नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया। लेकिन जो इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव होता है वो कैसे बनता है, डू नॉट गो टू स्कूल, यानी कि इसमें क्या होता है, एक साथ डू नॉट लगा होता है, ना तो इसमें बाद में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ना केवल फुल स्टॉप वगैरह लगा होता है और क्वेश्चन मार्क वगैरह कुछ भी नहीं लगा होता है, एक साथ डू नॉट लगा होता है। तो उसको हमने बताया था टू टाइप से बनता है। इसमें फर्स्ट टाइप बताया था कि जो रिपोर्टिंग और सेड होती है उसको ऑर्डर्ड एडवाइस वगैरह में चेंज कर देते हैं, और इसके बाद उसको चेंज करने के बाद, चेंज जब कर देंगे, चेंज करने के बाद जो आपका कंजक्शन टू होता है, टू लगाने से पहले नॉट लगाएंगे, डू नॉट हटा देंगे और उसमें कोई चेंज रिपोर्टेड पार्ट में नहीं करते हैं, सिर्फ क्या होता है प्रोनाउन वगैरह आते हैं उन्हें चेंज कर दिए जाते हैं। इसके अलावा सेकंड हमने मेथड आपको ये बताया था, सेकंड वाले में ये बताया गया था कि उसमें से रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होती है उसको फॉरवर्ड में चेंज करते हैं, और फॉरवर्ड वाला बहुत अच्छा मतलब मेथड है, वेरी इजी सिंपल मेथड है, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। एग्जांपल है जैसे ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा डू नॉट हेट द पुअर,
डू नॉट हेट द पुअर. अब इसमें देखिए, आप ऐसे सोचेंगे तो इसमें एडवाइस दी जा रही, तो आप ऐसे बनाएंगे ही एडवाइज्ड मी, कंजक्शन आप टू लगाएंगे, उसके पहले सॉरी नॉट आ जाएगा, नॉट टू हेट द पुअर हो जाएगा, नॉट टू हेट द पुअर. बट अगर सेकेंड कंसेप्ट आप लगाते हैं उसमें आप बिल्कुल फ्री हैं, यहां से आपको सोचने ही नहीं कि ऑर्डर लगाए, एडवाइस लगाए, रिक्वेस्ट लगाए, कुछ नहीं करना. ओनली आप सिर्फ ए फॉरबेड, He forbade me, conjunction आपका टू आ जाएगा. नॉट का भी कोई झंझट नहीं, क्योंकि इसका अर्थ निगेटिव ऑलरेडी होता है. तो हो गया ही फॉरबेड मी, कंजक्शन आपका टू और नॉट, ये सब हट जाएगा, ये यहां से हट जाएगा डू नॉट वाला, और आपका क्या आ जाएगा, हेट द पुअर. बस ओनली इतना बचेगा. ये ज्यादा इजी कंसेप्ट है, ज्यादा इजी रूल है, क्योंकि इसमें आपको सोचना है कि हम ऑर्डर लगाए कि एडवाइस लगाए कि रिक्वेस्ट लगाए, प्रेड लगाए, बेड लगाए, क्या लगाए. अगर निगेटिव आता है तो आप सिंपल सा कंसेप्ट सीधे फॉरबेड उठा के रख दीजिए सेट की जगह, और कोई चेंज नहीं, डू नॉट हटा दीजिए, एग्जांपल को टू से जोड़ दीजिए, क्योंकि आपका कंजक्शन जो है वो टू है, इसलिए टू से जोड़ दिया. वर्ब जो होती है टू से ही जोड़ते हैं, क्योंकि यहां पे टू क्यों लगता है, क्योंकि यहां जो टू कंजक्शन रखा गया दैट, क्योंकि वर्ब से अगले वाला एग्जांपल स्टार्ट होता है ना, इसलिए वर्ब को टू से जोड़ते हैं, दैट नहीं लगा सकते यहां पे. तो ये हो गए आपके पिछले वाले रिवाइज वाले. इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट आगे वाला इसका रूल्स. नेक्स्ट आगे जो आपका थर्ड रूल्स है उसमें से क्या होता है, आपकी अगर रिपोर्टेड पार्ट में अगर कोई टर्म ऑफ एड्रेस आता है, टर्म ऑफ एड्रेस इसका मतलब होता है संबोधन शब्द क्या होते हैं, जिससे आपको किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं. जैसे आप बोलते हैं सर, मैडम, काइंडली, सर मैडम काइंडली प्लीज, ये सारे वर्ड आते हैं आपके संबोधन में आते हैं. तो इनको क्या करेंगे आप, ये सारे वर्ड अगर आपको दिख जाए, किसमें दिखेंगे, रिपोर्टेड पार्ट में दिखेंगे और कहीं नहीं दिखेंगे. तो जब ये सारे वर्ड आपको रिपोर्टेड पार्ट में दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को आपको केवल रिक्वेस्ट में चेंज करना है, ओनली रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे और किसी में चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये सारे वर्ड आपसे तो बड़े हैं, इसलिए इनमें क्या करेंगे, इनसे रिक्वेस्ट ही आप कर सकते हैं ये वर्ड लगने पर. तो ये आप रिक्वेस्टेड में चेंज करें, कंजक्शन आप टू लगाएंगे, कंजक्शन आपका हो जाएगा टू, और इसके बाद आगे वही सारे रूल्स फॉलो होंगे जो आप पहले से पढ़ते चले आए. तो यहां पर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन. आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना किसी से, कह रहा प्लीज गिव मी योर पेन. तो यहां पर आप क्या करेंगे, आपको कुछ करना ही नहीं, प्लीज लग गया, पहले बस वही चीज पकड़िए जो चीज आपको से एग्जांपल को सॉल्व करने में ज्यादा इजी बना दे. तो यहां पर देखिए प्लीज लगा हुआ है, और प्लीज लग गया तो आप क्या करेंगे, सेट को कैम चेंज करें रिक्वेस्टेड में, तो हो गया ही रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन आपका आ जाएगा टू, प्लीज हटा दीजिए यहां से, क्योंकि इसको आपने चेंज कर दिया, किसमें, रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया. तो ही रिक्वेस्टेड मी टू. अब आगे क्या करना है, वर्ब से जोड़ना है, गिव मी आपका फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा. आपका सब्जेक्ट क्या दिया है, ही दिया है, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि यहां पर आप इस सेंटेंस को का, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, और हमने आपको पहले बताया था अगर आप ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे. तो यहां पर आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे. अब देखिए ही आपका होता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन ही इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है, और पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज. तो इसका ऑब्जेक्ट क्या निकला, हिम. तो आप यहां क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे. और इसके बाद योर आ गया, योर सेकंड पर्सन जो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और योर क्या चीज है, पॉजिटिव केस. और पॉजिटिव केस है ना, तो जब ये पॉजिटिव केस है तो वहां भी तो पॉजिटिव केस लिखेंगे. तो यहां जब पॉजिटिव केस लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब इसका योर से मी, इसके मी के अकॉर्डिंग चेंज कर, आई मी और माई. तो इसका ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, माई क्या है, पॉजिटिव केस. तो यहां आप क्या लिखेंगे, माई पेन. क्लियर. और He requested me to give him my pen. ये आपका सेंटेंस बन के आएगा. आई होप इट इज क्लियर, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट, बिकॉज हाउ, मतलब ये आपको जो ट्रिक बताई गई या ये आपको जो रूल बताया गया, ये कैसे लग रहे हैं आपको, ये सारी चीज आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, और हमारे चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा उसको आप उतना शेयर करते जाएंगे. He requested me to give him my pen. आगे आपको और अच्छे से अच्छे रूल बताए जाएंगे, और अच्छी क्लासे आएंगी जिसमें से आपको और बढ़िया बढ़िया नियम बताए जाएंगे, जिससे आपके सारे एग्जाम क्लियर होते रहें. He requested me to give him my pen. तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया होगा.
इसके बाद इसका अगर ये सेंटेंस निगेटिव हो तो आप क्या करेंगे? अब देखिए इसका निगेटिव हो जाएगा तो कैसे बनेगा? सारे रूल्स वही रहेंगे जो आपने अभी तक पढ़े या जो आपने पहली क्लास से लेकर अब तक पढ़े। अब ये सेंटेंस अगर निगेटिव होता है तो क्या करेंगे उसमें, बस इतना आपको बताना है। तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सेड टू अस कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज, या अदर कुछ भी लिख दीजिए, काइंडली डू नॉट बीट माई ब्रदर। ये सेंटेंस आपका देखिए अगला नया है सेंटेंस। इसमें देखिए इसमें सेंटेंस में ये कह रहा है कि ही सेड टू मी काइंडली डू नॉट बीट माई ब्रदर। अब यहाँ पे काइंडली भी आ गया और डू नॉट भी आ गया। अब आप क्या करेंगे? अब यहाँ फॉरवर्ड आप नहीं यूज कर सकते हैं, फॉरवर्ड आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अगर फॉरवर्ड आपने लगाया तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, फॉरवर्ड यहाँ नहीं लगेगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा काइंडली को तो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा सेड ही रिक्वेस्टेड अस। अब आप यहाँ कंजक्शन टू आएगा, बट यहाँ जब ये काइंडली चेंज हो गया रिक्वेस्टेड में, लेकिन डू नॉट दिया है, आप इसको फॉरवर्ड में नहीं चेंज कर सकते क्योंकि यहाँ काइंडली लग गया। अगर फॉरवर्ड में आप इसे चेंज करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा आपका एग्जांपल, क्योंकि यहाँ काइंडली लगा और काइंडली चेंज होता है ये मतलब रिक्वेस्टेड में, क्योंकि टर्म ऑफ एड्रेस है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, आप डू नॉट लगा है तो इसके लिए ये वाला फंडा अपनाएंगे, नॉट टू कर देंगे, जैसे आपने पहला एग्जाम्पल बनाया तो ही रिक्वेस्टेड अस नॉट टू बीट माई माई आपका फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टिंग और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट आपका क्या दिया है, ये दिया है। अब देखिए यहां पे ही हिज और हिम, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट और ये पॉजिटिव केस। अब देखिए यहां पे माई क्या है, पॉजिटिव केस है, तो यहां पे ही का पॉजिटिव केस हिज, तो यहां पे क्या हो जाएगा बीट हिज ब्रदर। अब यहां पे नाउ वगैरह कुछ दिया और टुडे दिया है तो देन वगैरह में चेंज कर दिए, आपको पहले बताया जा चुका है। तो ये आपका हो गया ही रिक्वेस्टेड अस नॉट टू बीट हिज ब्रदर। हम आपसे ये भी बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग सब लोग कमेंट जरूर करिए इसमें से कि कैसा आपको पढ़ाया जा रहा है, मतलब हम कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है, एग्जांपल समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये जरूर आप बताते जाइए हमको। इससे हमें क्या होगा, हमें और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा आपका करेंगे और अच्छा आपके लिए करेंगे कुछ। और हमारा जो चैनल है इसे जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके आप भेजिए इसको। तो देखिए आपके यहाँ पर ये एक एग्जांपल आपका एक नियम आपका क्लियर होता है, जिसमें से क्या था रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड थी वो तो पास्ट में रहेगी, इसके अलावा आपका जो रिपोर्टेड पार्ट था उसमें से कोई टर्म ऑफ एड्रेस आ गया था, जैसे सर मैडम काइंडली प्लीज, ये सारे आए हुए थे। और इसमें से हमने क्या किया, इसका रूल ये होता है कि जब सर मैडम काइंडली प्लीज आते हैं इसको बोलते हैं टर्म ऑफ एड्रेस और हिंदी में कहते हैं संबोधन शब्द। तो यहाँ पे क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब सेड को केवल रिक्वेस्ट में चेंज किया जाता है। अगर इस टाइप के सेंटेंस निगेटिव होते हैं तो उसमें फॉरवर्ड का कोई यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड इसमें नहीं लगाया जाता है। और फॉरवर्ड के अलावा उसमें से पहले जो आप पहले एग्जांपल करे थे कि टू से पहले नॉट लगा देते हैं, इसलिए वही वाला नियम अपनाते हैं यहां पे यूज करते हैं। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट आपका एग्जांपल आता है, जब आपके सेंटेंस में नेवर आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो अब देखिए आपका अगला एग्जांपल उसमें दिया हुआ है, अगर रिपोर्टेड पार्ट में नेवर आ जाए तो नेवर से हमेशा एडवाइस होती है, यानी कि एडवाइस का मतलब सलाह दी जाती है। जो नेवर होता है इससे हमेशा एडवाइस आती है, सलाह दी जाती है, नेवर से सलाह दी जाती है। तो इसलिए इसमें रिपोर्टिंग और सेट को क्या हम चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग और सेट एडवाइस में चेंज हो जाती है, ओनली एडवाइस में चेंज होगी। और अभी तक आपने क्या इसमें फॉरवर्ड वगैरह कुछ नहीं लगाते, होता निगेटिव है बट नो यूज ऑफ फॉरवर्ड। यहाँ आप क्या करेंगे, टू से पहले जैसे आप नॉट लगाते थे वैसे क्या करेंगे, टू से पहले नेवर का यूज कर देंगे। तो यहाँ पे आप कंजक्शन आपका हो जाएगा टू और ब्रैकेट में लिख दीजिए नेवर टू, तो इससे क्या हो नेवर प्लस टू, यानी कि टू से पहले जैसे नॉट लगाते थे वैसे नेवर प्लस टू हो जाएगा। आगे कोई चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड पार्ट में, ओनली चेंज ऑफ प्रोनाउन वगैरह ये जब आते हैं तो इनको चेंज कर देंगे और किसी चीज का चेंज नहीं करेंगे। अब आप एग्जांपल इसका देखिए, आपका एग्जांपल लिखा हुआ है ही सेड टू अस कामा इन्वर्टेड कामा नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम। इसमें कह रहा है नेवर वेस्ट योर टाइम, जैसे एग्जाम्पल लिखा वैसे आप भी करिए, कभी अपना टाइम वेस्ट मत करिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ आप करते रहिए ताकि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग भी इंप्रूव करेंगे और आप भी इंप्रूव होंगे। तो ही सेड टू अस नेवर वेस्ट योर टाइम, यहाँ पे नेवर लगा एडवाइस दी जा रही, नेवर लग गया तो समझो एडवाइस ही दी जा रही। तो यहाँ पे हो गया ही एडवाइज्ड अस नेवर टू, जैसे नॉट टू ऐसे नेवर टू, नेवर हटेगा नहीं, वेस्ट
योर टाइम, योर आपका सेकंड पर्सन है और पॉजिटिव केस में दिया है, जो अस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अस आपका ऑब्जेक्ट है, अस आपका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट होता है वी, और पॉजिटिव केस होता है आवर। तो क्या आएगा आवर, यहां पे आ जाएगा आवर टाइम। कह रहा है ही एडवाइज्ड अस नेवर टू वेस्ट आवर टाइम। तो ये आपका एग्जांपल हो गया, क्लियर। ही सेड टू अस कमा इनवर्टेड कमा नेवर वेस्ट योर टाइम। तो इस टाइप के जितने भी एग्जांपल आते हैं वो सब इसी रूल से बनेंगे, टू से पहले नेवर लगाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ड को एडवाइस में चेंज करेंगे, बस। इसके अलावा आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका। आपका नेक्स्ट एग्जांपल आता है, आपने देखा होगा कि कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनसे जो इंपरेटिव की तरह काम करते हैं, होते वो इंट्रोगेटिव हैं। आपको जब एग्जांपल लिखा जाएगा तो लगेगा तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, बट जब इसको आप बनाएंगे तो वो बनेगा इंपरेटिव की तरह। जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं, जैसे लिखा है वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्वेश्चन मार्क भी लगा होगा। जैसे लिखा है कुड आई यूज योर फोन, ये देखिए एग्जांपल्स। और एक लिख दिया कुड यू गो टू स्कूल, ये एग्जांपल आपके तीन एग्जांपल लिखे। पहले आप ऐसे समझिए इसको, कह रहा है वुड यू, एक चीज आपने अगर नीचे क्लासेस में यानी कि हाई स्कूल में मॉडल एग्जीक्यूटिव आपने अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जब कभी भी वुड और कुड का यूज होता है, जहां पे वुड और कुड का यूज होता है तो उससे विनम्र निवेदन यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट का पता चलता है। पोलाइट रिक्वेस्ट जो यहाँ पे उड और कुड दिया गया है, इससे पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त होता है, सेंस आता है। पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन का सेंस आता है, इसीलिए यहाँ पर जब इससे रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है तो ये सेंटेंस रिक्वेस्ट हो रही कि नहीं हो रही। कह रहा वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या कृपया आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। वैसे भी समझिए, आप किसी से दूसरे से कोई चीज मांग रहे हैं तो आप उससे रिक्वेस्ट तो करके मांग रहे हैं या छीन लेंगे उससे। दूसरा है कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, तो आप किसी से कहें। वैसे भी बोलचाल की भाषा में आप किसी दूसरे से कोई चीज मांगेंगे तो वुड और कुड का यूज करके आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। इससे दोनों से पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस आता है, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि आप उससे रिक्वेस्ट। दोनों को एग्जाम्पल्स को पढ़ने से भी पता चल रहा है कि कोई रिक्वेस्ट करके आप मांग रहे हैं। इसमें देखिए लेकिन थर्ड एग्जांपल में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे या क्या तुम स्कूल जा सकते थे। कह रहा है कुड यू गो टू स्कूल, कुड कैन का पास्ट टेंस होता है इसलिए यहां पर पास्ट में बात करेंगे। कुड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल गए या कि स्कूल जा सकते थे। तो यहां पर तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है, वो कह रहा है कि स्कूल जा सकते थे या नहीं जा सकते थे, कोई रिक्वेस्ट नहीं है बस। तो इस एग्जाम्पल पे आप देखिए, इस एग्जाम्पल पे इंट्रोगेटिव वाला रूल लगाएंगे कैसे। अगर इसकी रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी हम लिख दें तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे ही आस्क्ड, कंजक्शन आपका इफ या वेदर कुछ, ये इसके बाद हो जाएगा ही कुड, और आपको बताया था वुड कुड शुड वगैरह कोई चेंज नहीं होते हैं। तो ही कुड गो टू स्कूल, सिंपल सा एग्जांपल आपका बन जाएगा। ही आस्क्ड इफ ही कुड गो टू स्कूल, क्लियर। तो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसमें देखिए इन दोनों एग्जांपल्स को आप गौर से देखिए। यहाँ पे रिक्वेस्ट है या इन दोनों में रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है, बट एक चीज यहाँ पे जब दोनों में रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है तो इसको हम बनाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस की तरह, ना इंपरेटिव की तरह, सॉरी इंट्रोगेटिव की तरह इसको नहीं बनाएंगे। यानी कि हम इसको कैसे बनाएंगे, इंपरेटिव की तरह बनाएंगे, इंट्रोगेटिव की तरह नहीं, इंट्रोगेटिव का यूज नहीं करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस के रूल अभी आपने पढ़े हैं, इसमें से कंजक्शन टू का यूज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे, क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि यहां से हमें रिक्वेस्ट कह नहीं रहे, आपको पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। और इसके बाद एक चीज आप गौर से देखिए, यानी कि याद रखिए, आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि यहां पर आपने अभी तक इंपरेटिव में क्या किया था, कंजक्शन टू लगाया था और सेंटेंस को कैसे जोड़ा था, वर्ब से जोड़ा था। इस सेंटेंस में भी आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में सारी चीजें हटा देनी है, जहां से वाक्य जो सेंटेंस दिया है वो वर्ब से स्टार्ट होगा, उस वर्ब को उठा के टू से जोड़ दीजिए आप, बस आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अगर यहां पर हम इन दोनों सेंटेंस में कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब लिखें तो देखिए कैसे बनते हैं सेंटेंस, आपको वैसे क्लियर हो गया होगा। आप हमको, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लासेस जो है वो कैसी चल रही हैं, इससे हमें
हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा एनर्जी मिलेगी, एनर्जेटिक होंगे आप भी थोड़ा सा। हम जब नए नए कंसेप्ट बताएंगे, नए नए रूल्स आएंगे या कुछ नया बताएंगे तो आपको भी लगेगा कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आप इसको कमेंट जरूर करते रहिए और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करते रहिए। कह रहा है वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया ही सैड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। अब देखिए इसको कैसे आप बनाएंगे। तो हमने बोला इससे आपको रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हो रहा है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देना है। आपने रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया, आपका ऑब्जेक्ट लिख दिया, कंजक्शन आपने टू लगा दिया, इतना आप अभी करते चले आए हैं, इसमें से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतना आप शुरू से करते चले आए वैसे इनमें से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ही रिक्वेस्टेड मी टू कंजक्शन लग गया, इसका भाव इससे आ रहा है, जो वुड है इसका सेंस सेट दे रहा है, सेट कहने की सेट देने का मतलब हमें रिक्वेस्ट दे रहा है। हमने इसको कैम चेंज कर दिया रिक्वेस्ट में, ऐसे समझ लीजिए आप कि यहाँ पर ये रिक्वेस्ट में चेंज हो गया, ये आपका रिक्वेस्ट में चेंज हो गया, अभी आपको बताया था। दूसरी चीज, आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें कर्ता यू छिपा रहता है। और एक बात है, देखिए जरूरी नहीं कि यू आए, जो भी कर्ता आता है उसको आप हटा दीजिए, मोस्टली यू ही मिलेगा, बट अदर कोई सब्जेक्ट आता है तो उसे आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाए ही रिक्वेस्टेड मी वुड यू प्लीज, इतना आपका पूरा हट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से सेंटेंस जो है वो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो गिव, अब मी आपका कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, जो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग बदलता है, बट यहाँ पर मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग बदलेंगे। यहाँ पर देखिए मी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी मी ऑब्जेक्ट है, तो इस मी को इस मी से रिप्लेस करो, सेम है भैया, तो कैसे चेंज करोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी बना रहेगा। अब योर सेकेंड पर्सन, सॉरी एक चीज़ गलत हो गई आपकी, यहाँ पर जो है मी आपका फर्स्ट पर्सन है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट आपका क्या है, ही, तो जब सब्जेक्ट आपका ही दिया है तो यहां पर देखिए वो ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे ही हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हिम हो गया, इसका ऑब्जेक्ट ही, सॉरी इसका ऑब्जेक्ट हिम, ये पॉजिटिव के, तो ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव के हिसाब का हो गया। तो जब आप मी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदलेगा, तो ही के अकॉर्डिंग आप जब चेंज करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब यहां पे मी आपका ऑब्जेक्ट है तो ही तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमें इसका क्या ढूंढना है, ही का ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या दिया है, हिम, तो हम यहां क्या लिख देंगे, हिम। अब आपका योर आता है, योर जो आपका, ये देखिए सेकंड पर्सन, उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी उसके लिए सॉरी। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो आपका दिया हुआ है, ये यू से योर सेकंड पर्सन है, और ये पॉजिटिव केस है आपका, योर सेकंड पर्सन है, जो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग बदलता है। तो जब ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग बदलेगा तो यहाँ हम फिर मी नहीं लिख सकते, क्योंकि मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, वहां पे आया है पॉजिटिव केस, तो हमें वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, उसको हटा करके पॉजिटिव केस, बट बदलना किस अकॉर्डिंग है, मी के अकॉर्डिंग, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है मी, और पॉजिटिव केस क्या होता है, माई, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, योर की जगह माई पेन। क्लियर, ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है, तो इसके काफी एग्जाम्पल आते भी हैं, हर कंपटीशन वाले एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहां पर देखिए फिर एक बार आपको रिवाइज कर दे रहे हैं, यहां पे हो गया ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, क्यों रिक्वेस्ट आया, क्योंकि वुड और जो प्लीज दिए हैं सिर्फ रिक्वेस्ट का भाव सेंस आता है, इसलिए हमने रिक्वेस्टेड में इसको चेंज कर दिया। तो ही रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन आपका टू आ गया, गिव, गिव आपको वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए गिव टू कंजक्शन से वर्ब को जोड़ना है, ये भी एक रूल है जो याद रखेंगे आप, हिम माई पेन, ये प्रोनाउन वगैरह आपको चेंज कर दिए गए। तो यहाँ पर आई होप इट इज क्लियर, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। इसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल आपको इसी का बता रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है शी सेड, एग्जाम्पल दिया है आपका शी सेड कुड यू गिव मी, कुड यू गिव मी सम कैश प्लीज। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका, दूसरा एग्जाम्पल और एक देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल है आपका दे शेड कामा इन्वर्टेड कामा कुड आई यूज, जो अभी लिखा था आपको योर फोन, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इन दोनों एग्जाम्पल्स में ये एग्जाम्पल सेम है, जैसे ये था वैसे सेम है, ये भी दिया हुआ है कुड यू गिव मी सम कैश प्लीज। तो यहाँ पर देखिए कोई बैंक में गया, उसने बोला कुड यू गिव मी सम कैश प्लीज, क्या आप कुछ मुझे कैश दे सकते हैं, तो इसको बनाने के लिए हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है सामने वाले से, ही रिक्वेस्टेड टू गिव हर सम कैश।
बन गया आपका एग्जाम्पल, ये हट गया और कोड हट गया। अभी आपको बताया कैसे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर लिख के बताएं हमको आज। दे रिक्वेस्टेड, और अगर आपको कुछ लिखना होता है तो यहाँ पर आप वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो भी आप लिख के बताइए कमेंट में, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, कुछ इम्प्रूव करना है, कुछ एग्जांपल समझ में आता है, बोर्ड पे लिखाने समझ में आता है, जो भी है वो सब बता दीजिए आप हमको। अगर आप इसके अलावा स्क्रीनशॉट वगैरह इसके लेते रहिए तो आप बाद में इसको नोट कर सकते हैं। दे रिक्वेस्टेड कंजक्शन आपका हो गया टू, टू के बाद देखिए कुड हट जाएगा, आई हट जाएगा, यूज आपका वर्ब है तो टू यूज, योर सेकंड पर्सन कोई ऑब्जेक्ट नहीं, हमने आपको बताया था जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो आप फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट या थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आपका होता है आई और वी, इसका ऑब्जेक्ट मी और अस होता है, थर्ड पर्सन होता है ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट आपका हर होता है, और दे का ऑब्जेक्ट आपका देम होता है। ये नेम के अंतर्गत आते हैं, कोई भी आप मान लीजिए, हमने मी मान लिया तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमने सॉरी हिम मान लिया तो यहाँ पे हो जाएगा सॉरी योर सेकंड पर्सन है, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे योर सेकंड पर्सन आपका दिया है, ये पॉजिटिव केस दिया है तो आपको यहाँ बदलना है। आपने यहाँ हिम मान लिया, आपने हिम मान लिया तो इसका पॉजिटिव केस हो जाएगा हिज फोन। ये आपके कंप्लीट होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के सारे एग्जांपल, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका इम्परेटिव सेंटेंस है इसमें से अगर कोई रूल बचता है या इसके अदर एग्जांपल हैं, हम आपको एक क्लास लेके उसमें सारे एग्जांपल कम से कम उसमें आपको 10-20 एग्जांपल लेके आएंगे, उन सारे एग्जांपल से आपके सभी जितने भी नरेशन हैं उनके सभी के रूल्स आपको क्लियर करा देंगे, और वो उसमें एडवांस भी एग्जांपल होंगे, लो लेवल से हाई लेवल तक के एग्जांपल दिए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है, आज आपकी क्लास इतनी ही होती है जिसमें इंपरेटिव सेंटेंस आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे यूज ऑफ लेटस, लेटस का यूज कैसे होता है, उसमें से 2-3 रूल होते हैं, वो थोड़ी देर लगेगा उसमें वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही नरेशन खत्म होता है वैसे आपको हम एक एग्जाम्पल की सीरीज देंगे, जिसमें से उसमें से काफी एग्जाम्पल दिए होंगे 40-50, जिनको हम बोर्ड पर सॉल्व करके आपके जितने भी रूल होंगे कंसेप्ट होंगे सारे क्लियर कर देंगे। उसमें एग्जाम्पल लो से लेके हाई यानी कि लो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की दिए होंगे। और इसके अलावा लास्ट में जाते जाते आपसे ये भी कहेंगे कि हमारे चैनल्स को आप शेयर करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए जो भी आपको प्रॉब्लम हो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी होगी यूज ऑफ लेटर्स, और उसमें से जो क्लास आपको बताई जाती है जो लेटर्स होगा तो थोड़ा सा आप भी बुक्स वगैरह में देख लीजिए, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप इट इज क्लियर, एंड अगेन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।